हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी के इस नए वीडियो सेशन में। आज की इस वीडियो सेशन के माध्यम से एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार, और इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा में, जो हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं पिछले जितने भी आपके वीडियो सेशन हुए हैं, तो उनमें हमने बताया था आपको जो वर्ण विचार वाला टॉपिक था, तो वर्ण विचार वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण। अगर मैं कहूँ कि जो लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो आपका यहाँ पर देखें, तो वो अगर लिखित रूप में कहूँ या लेखन रूप में कहूँ तो वर्ण है। अगर उच्चारित रूप में कहूँ, ठीक है, अगर उच्चारित रूप में कहूँ तो वो क्या है, ध्वनि है। अर्थात ध्वनि क्या है, वर्णों का उच्चारित रूप है, मौखिक रूप है, और वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो भाषा में अगर व्याकरण में देखें तो भाषा के अंग जो हैं, यहाँ पे हम तीन अंगों को यहाँ पर प्रमुख रूप से देखते हैं। एक तो आपके पास वर्ण, दूसरा आता है आपके पास शब्द, तीसरा आता है आपके पास वाक्य। ठीक है, तो वर्ण, शब्द और वाक्य, यहां पर ये आपको समझने की जरूरत है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ठीक है, उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, और इन वर्णों के मेल से बना हुआ एक सार्थक समूह, वर्णों का एक ऐसा सार्थक समूह जो अपना एक निश्चित अर्थ दे, वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जो अपना एक निश्चित अर्थ दे, उसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अर्थात जो शब्द है वो क्या है, वर्णों का सार्थक, वर्णों का सार्थक समूह। ठीक है, या वर्णों के मेल से बना हुआ एक सार्थक समूह क्या कहलाता है, आपका शब्द कहलाता है। जैसे मैं कहूं क्या, जैसे न, य और न जोड़ लिया मैंने। न क्या है भाई, न और अ का। य क्या है, य प्लस अ का। न क्या है, पुनः न प्लस अ। अर्थात इन सभी वर्णों को अगर मैंने इस तरीके से जोड़ा है कि ये क्या बना रहे हैं, एक समूह ऐसा बना रहे हैं, किस तरीके का, नयन, और इस नयन का अपना एक अर्थ है। ठीक है, नेत्र से, आंख से। ठीक है, अर्थात वर्णों का सार्थक समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों के या वर्णों के इस सार्थक समूह को, जिनसे मिलकर शब्द बन रहा है, उनका भाषा में कहाँ पर उपयोग होता है, कैसे शब्द बनाए जाते हैं, किस किस तरीके से उनमें विकार उत्पन्न होता है, कितने प्रकार के वो शब्द होते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना हमारे पास क्या कहलाएगा, शब्द विचार। ठीक है, शब्दों के बनने से लेकर के शब्दों के प्रयोग, शब्दों में उत्पन्न होने वाले विकार और शब्दों की रचना, इन सभी चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका शब्द विचार कहलाता है। अब जैसे कि आप सब सुन पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि मैंने बहुत सारी चीज इसमें बताई है, शब्दों के बनने से लेकर, शब्दों के बनने में जो विकार उत्पन्न होता है उनसे लेकर के, है ना, किस तरीके से शब्दों में विकार आता है, किस तरीके से शब्दों की रचना की जाती है। तो इन सभी संदर्भों को अगर मैं ध्यान में रखूं तो ये अपने आप में एक बहुत ही विशाल टॉपिक है, ये बहुत ही विशाल प्रकरण है। शब्द विचार अपने आप में हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे जो आपके आयाम हैं उनको संग्रहित करता है, उनको अपने में समेटे हुए। अर्थात ये कतई भी आप इसको इस तरीके से नहीं पढ़ सकते कि डेफिनेशन पढ़ लिया और थोड़ा सा समझ लिया। जितना आप इसमें इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ये उतनी ही ज़्यादा अपने ब्रांचों में, अपनी शाखाओं में आपको खुलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। शब्द विचार, तो जैसा कि हमने बोला, शब्द क्या है, वर्णों का एक सार्थक समूह, इसको हम क्या कह सकते हैं, शब्द कह सकते हैं। अब आपको पता होगा जो वर्ण होते हैं, ठीक है, वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अपना कोई अर्थ नहीं, ध्यान से सुनिएगा, वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, वर्ण। ठीक, तो यदि अगर मैं बोलूं भाषा में अर्थ की दृष्टि से
सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो खुद ही जब बताइए, वर्णों का तो अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अब वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कह रहे हैं तो उसका अपना एक निश्चित अर्थ होगा। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है तो वो आपका आंसर आ जाएगा शब्द। अर्थात शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो भाषा की वो होती है शब्द। क्यों? क्योंकि वर्ण जो होते हैं सबसे छोटी इकाई के रूप में अर्थ की दृष्टि से इसलिए नहीं माने जाते क्योंकि वो अपना कोई निश्चित अर्थ स्वतंत्र रूप से नहीं रखते। ठीक है, तो ये पहली चीज। और दूसरी चीज आपने याद रखना है, तो भाषा में अर्थ की दृष्टि से कुल कितनी इकाइयां होंगी? तो अर्थ की दृष्टि से आपके पास हो जाएंगी एक शब्द, और शब्दों का सार्थक समूह फिर से क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। ठीक है, और जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो यहां पर भाव की दृष्टि से भी ये भाषा की सबसे छोटी, सबसे बड़ी, या यूं कह लीजिए कि सबसे एकमात्र इकाई है भाषा की, वो है वाक्य। वो हम वहां पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतने तक ही सीमित रहिएगा कि यदि पूछा जाए आपसे भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी सार्थक इकाई वो शब्द है, और भाषा में अर्थ की दृष्टि से कुल कितनी इकाइयां अभी आप बता सकते हैं, तो सबसे छोटी शब्द है और सबसे बड़ी आपकी वाक्य, अर्थात दो इकाइयां यहां पर शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका शब्द और उससे संबंधित कुछ आपका एक जोड़ी जो इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, है ना, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं शब्द को। अब बात आती है कि शब्द विचार में हमारे पास जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ते हैं शब्द विचार के अंतर्गत कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। प्रकार ठीक है, शब्दों के किल कितने प्रकार होते हैं? तो यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, शब्दों के प्रकार को हम चार भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला प्रकार यहां पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द, दूसरा प्रकार यहां पर आता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, तीसरा प्रकार यहां पर आता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द, और चौथा प्रकार यहां पर आ जाता है विकार के आधार पर शब्द। इसको हम व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको उत्पत्ति के आधार पर, या यूं कह लीजिए या उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं जो शब्द है। तो यहां पर आप देखो, शब्दों के हमने मेनली चार प्रकार देखे हैं। शब्दों के मेनली हमने कितने प्रकार देख लिए? चार प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, या यूं कह लीजिए इसको स्रोत के आधार पर, ठीक है, सोर्सेस के आधार पर, स्रोत के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा इनका वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर आपके पास शब्द पांच प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द यहां पर हम देख रहे हैं मूलतः दो प्रकार के, और विकार के आधार पर भी शब्द यहां पर दो प्रकार के यहां पर इस तरीके से देखने को मिलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं शब्दों की बात करूं तो ये पांच प्रकार कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, और इसके अतिरिक्त संकर संकर शब्द इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आपको उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार में मिलेंगे। इसके पश्चात व्युत्पत्ति के आधार पर अगर मैं शब्दों की बात करूं या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों की बात करूं तो इसमें आते हैं आपके रूढ़ शब्द, इसमें आते हैं आपके यौगिक शब्द, और इसमें आते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। कौन से? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द,
रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द इसमें आते हैं, किसमें? व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। ध्यान रखिएगा, जब मैं बोल रहा हूँ कि रचना या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, तो एक क्वेश्चन और यहाँ से होता है कि भाषा में या हिंदी में जो शब्दों की रचना है, शब्दों की व्युत्पत्ति है, शब्दों का बनावट है, अर्थात शब्दों को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, शब्द बनाने के तरीके, ठीक है, अर्थात यहाँ पर से शब्दों के भेद नहीं पूछ रहा हूँ। अगर शब्दों के भेद व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर पूछा जाए तो शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इन शब्दों को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, कितने प्रकार से इन शब्दों को बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा शब्दों को, जो शब्दों की व्युत्पत्ति है या शब्दों की जो रचना है, उसके हमारे पास चार तरीके होते हैं, अर्थात शब्द रचना के, इसको हम कह सकते हैं शब्द रचना या शब्दों की रचना करने के चार तरीके होते हैं। ये तो वो हैं जो रचना करने के बाद कितने बन गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लेकिन शब्दों की रचना कितने प्रकार से कर सकते हैं पूछा जाएगा, तो उसमें आएगा चार तरीके, और वो होते हैं आपके या तो उपसर्ग लगाकर, या प्रत्यय लगाकर, या संधि के द्वारा, या समास के द्वारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और यदि पूछा जाए कि शब्दों की व्युत्पत्ति कितने प्रकार से की जाती है, शब्दों की रचना कितने प्रकार से की जाती है, तो उसके लिए आप याद रखिएगा ये चार प्रकार आपने याद रखने हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। ये चार ऐसे प्रकरण हैं जिनके द्वारा हिंदी भाषा में शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सार्थक और एक होते हैं आपके निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। अब अगर मैं बोलूं निरर्थक क्या है, निरर्थक से पता चल रहा है कि इनका कोई अर्थ ही नहीं है। और अभी मैंने क्या बोला कि जो शब्द हैं अर्थ की दृष्टि से वो सबसे छोटे सार्थक इकाई होती है। अर्थात अगर मैं शब्द अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार से होते हैं कहीं पर पूछा जाए, तो कहीं पर किसी किताब में आपको ये भी मिलेगा कि अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। अब शब्द जैसे ही मैंने बोला कि वो एक निश्चित अर्थ रख रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पर अर्थ के आधार पर के शब्दों के प्रकार में सीधा सार्थक शब्दों को ले लेते हैं, क्योंकि निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जैसे चाय, वाय, रोटी, वोटी, ये पीछे से जो शब्द आ रहे हैं, जो आम बोलचाल की भाषा के द्वारा हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इनका जिनका कोई अर्थ नहीं है, वो बस मूल शब्द के साथ वो प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो निरर्थक शब्द हैं वो अर्थ की दृष्टि से उनका कोई अपना अर्थ है ही नहीं। तो अर्थ की दृष्टि से अगर मैं शब्दों के चार प्रकार बता रहा हूं, तो कहने का मतलब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं सीधे सार्थक अर्थों के प्रकार बता रहा हूं। तो इसलिए अगर मूल रूप से देखा जाए तो शब्दों के अर्थ के आधार पर दो भेद, सार्थक और निरर्थक। यदि किसी बुक में चार भेद लिखे रहते हैं तो वो समझ लीजिएगा कि वो अर्थ के आधार पर जो सार्थक शब्द है उनके भेद पूछ रहा है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सार्थक शब्द है वो चार प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका समानार्थी, समान अर्थ वाले, एक होता है आपका एकार्थी, एकार्थी, ठीक है, एक होते हैं अनेकार्थी, अनेकार्थी, और एक होता आपका विपरीतार्थी, विपरीतार्थी, ठीक है। समानार्थी को ही हम क्या बोल देते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कह देते हैं, ठीक है, और विपरीतार्थी को हम क्या कह देते हैं, विलोम शब्द भी कह देते हैं, ठीक है। तो अर्थात अर्थ के आधार पर अगर शब्दों के प्रकार पूछे जाएं आपसे, तो शब्द आपके चार प्रकार के होते हैं, समानार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी और विपरीतार्थी, ठीक है। इसके पश्चात आते हैं हम विकार के आधार पर। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि शब्दों की रचना, शब्दों की रचना आपको कितने प्रकार से की जा सकती है, चार प्रकार से, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के द्वारा। इन चार प्रकारों से आपको शब्दों की रचना की जा सकती है। ऐसे ही यहाँ पर यदि पूछा जाए किसी भी शब्द में विकार उत्पन्न के कितने प्रकार होते हैं, या कौन कौन से ऐसे प्रकरण हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जिनके माध्यम से किसी शब्द में विकार आता है, तो विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार अगर पूछा जाए तो शब्द दो प्रकार के, लेकिन विकार के आधार पर शब्द विकार कितने प्रकार से किसी शब्द में आता है यदि वो पूछा जाए, तो आपको याद रखना है कारक, काल, लिंग और वचन, ठीक है। किसी भी शब्द में जो विकार उत्पन्न करने के प्रकरण होते हैं, बिंदु होते हैं, वो ये चार बिंदु होते हैं। अर्थात जो शब्द हैं वो शब्द
कितने प्रकार से विकृत हो सकते हैं या कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसी जो बिंदु है जिनके द्वारा उन शब्दों में विकार आता है, तो वो याद रखने आपने कारक के आधार पर, काल के आधार पर, उस वचन के आधार पर और लिंग के आधार पर, ये चार ऐसे प्रकार हैं जिनके द्वारा किसी शब्द में विकार उत्पन्न होता है। अब ये तो विकार कितने प्रकार से उत्पन्न होता है वो बात होगी, अगर हम बात करें विकार के आधार पर शब्द कितने होते हैं भाई, तो वो आपको याद रखने हैं दो। एक तो है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द, ठीक है। एक है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। अब मैंने पहले ये चीज क्यों बताई आपको, ये चीज इसलिए बताई क्योंकि अब देखिए जो विकारी शब्द है वो कहते किनको हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसान हो गई चीज। हम तो जो विकारी शब्द हैं किनको विकारी शब्द कहा जाता है, ऐसे शब्द हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिनमें कारक, काल, लिंग और वचन के अनुसार विकार उत्पन्न होता है, जिनमें कारक, काल, लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। लड़का है लड़के हो गया, बालक है बहुत सारे बालक हो गए, है ना, जैसे जैसे गाय है गाय होगी, जैसे जैसे आपको क्या देख रहे हैं, है ना। तो मतलब ऐसे शब्द जिनमें आप कारक, काल, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, तो उन सभी शब्दों को क्या बोलेंगे, विकारी शब्द। और ऐसे शब्द जिनमें कारक, काल, लिंग, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को हम बोल देते हैं अविकारी शब्द। अब इन अविकारी शब्दों को एक और नाम देते हैं और वो नाम आता है आपका अव्यय। क्या कहा जाता है, अव्यय। अव्यय का मतलब क्या है भाई, अव्यय का मतलब है जिसको कोई खर्च न कर सके, जो खर्च न किया जा सके, ठीक है, जो खर्च न हो, ठीक है। अव्यय का मतलब जो खर्च न हो। अब खर्च न हो का मतलब यहाँ पर खर्च से संबंध क्या है कि उसमें कोई विकार उत्पन्न न हो, वो जितना था उतना ही रहे, वो जैसा था वैसा ही रहे, उसमें कारक, काल, लिंग, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया रहे, नहीं किया जा सके, इसलिए उनको क्या बोल दिया जाता है, अविकारी शब्दों को कभी कभी आप अव्यय, अव्यय भी आप कह देते हैं, अव्यय, ठीक है। तो आप अविकारी शब्द कितने होते हैं पूछा जाएगा, तो ये भी चार होते हैं, अव्यय या विकारी शब्द भी चार और अविकारी शब्द भी आपके पास चार होते हैं। विकारी शब्दों में कौन कौन सा आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यहां पर आपके पास क्रिया विशेषण, यहां पर क्या, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और यहां पर आ जाएगा आपका विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा शब्द विचार टॉपिक है, उस शब्द विचार टॉपिक के अंतर्गत आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है। अब एक चीज देखिएगा, शब्दों में आपके पास तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द आ गए, यहाँ पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ आ गया, यहाँ पर हमने देख लिया इनको बनाने के तरीके में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास वाले टॉपिक भी कवर हो गए, फिर हमने अर्थ के आधार पर देख लिया यहाँ पर पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द आ गए, यहाँ पर विकार के आधार पर देख लिया तो यहाँ पर कारक, काल, लिंग, वचन ये टॉपिक भी आ गए, इसके पश्चात हमने देख लिया विकारी और अविकारी, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कहने का मतलब हिंदी व्याकरण का एक बहुत बड़ा पार्ट आपको इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगा। तो इतना बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसकी जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम के माध्यम से इस सारणी को समझने का प्रयास कीजिएगा और जो हिंदी भाषा के टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को कोरिलेट करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप उन चीज़ों को रटेंगे नहीं, वो चीज़ बोझ नहीं लगेंगे, वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी और पता चल पाएगा कि जो बिंदु हम पढ़ रहे उस बिंदु की क्या उपयोगिता हिंदी व्याकरण में किस जगह पर है, वो बिंदु किस संदर्भ में कहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। वो जैसे अभी आप शब्द पढ़ेंगे रजपति रचना के आधार पर, मैं कहूँगा योगरूढ़ शब्द, वो बहुव्रीहि समास से हुए सभी शब्द योगरूढ़ शब्द होते हैं, अर्थात समास और शब्द में योगरूढ़ शब्द आपस में इंटरकनेक्ट कर पाने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी यदि ये समझ पाए आप, ठीक है। तो इस पूरे प्रकरण के माध्यम से हमने शब्दों के प्रकार, उनके वर्गीकरण के बारे में देखा। अब
जो नेक्स्ट सेशन होंगे वीडियोस, अगले वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि तत्सम तद्भव देशद विदेशद शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ योग सॉरी रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, है ना। इसके पश्चात उपसर्ग प्रत्यय समास की चर्चा उसमें करेंगे, तब पर्यायवाची एकार्थी अनेकार्थी और संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मयादि बोधक समुच्चय बोधक, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तृत रूप से बारी बारी से उसको देखते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और उम्मीद है इससे आपको जरूर मदद मिली होगी। धन्यवाद।